Hi grade 4s, in previous class we had completed exercise C. Today we will start with possessive pronoun. What do you mean by possessive pronoun? Possessive pronoun वो होता है जो हमारे possession मतलब हमारी मालिकी की चीज को या फिर हमारी खुद की चीज को या फिर जिसपे हमारा अधिकार है या हमारा हक है उस चीजों को दर्शाते हैं. Possessive pronoun shows the possession, belongings or ownership. The blue dress is mine. Blue dress mera hai. Right? So mine is possessive pronoun. Is this book yours? Kya ye tumhara book hai? So yours, possessive pronoun. In the above sentence, mine and yours shows the whom the object mentioned in the sentences belongs. They are possessive pronoun. ये यहाँ पे माइन और योर्स है, वो ये वर्ड्स दर्शा रहे हैं कि ये किसका है. दिस इज हूज, राइट? सो ये पजेसिव चीज दिखा रहा है, हमारा पोजेशन दिखा रहा है, इसीलिए इसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं. ग्रुप फर्स्ट पर्सन, मैंने इसके पहले भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन एक्सप्लेन किया था. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकर होता है, जिसके बारे में या फिर जो बोल रहे हैं, राइट? जैसे माइन, माइन मतलब मेरा, अवर्स, अवर्स मतलब हमारा. सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन जनरली हमेशा लिसनर होते हैं. लिसनर मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जैसे योर्स, तुम, तुम्हारा, ठीक है. थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में एनिमल्स, पर्सन या फिर थिंग्स के बारे में बात होती है. जरूरी नहीं है कि वो बंदा या फिर वो लेडी या फिर वो एनिमल यहाँ पे प्रेजेंट हो या वो लोग यहाँ प्रेजेंट हो हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो होते हैं, दे आर द थर्ड पर्सन, ठीक है. सो माइन, अवर्स फर्स्ट पर्सन, योर्स सेकेंड पर्सन, एंड हिज, हर, देयर एंड इट्स आर थर्ड पर्सन. नाउ विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज डी. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल प्रोनाउन. आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. नंबर वन, द बुक्स बिलोंग्स टू सोनम. हियर इज हर्स, इट इज हर्स. द बुक बिलोंग्स टू सोनम, ये सोनम की बुक्स है. इट इज हर्स, ये सोनम की बुक है. नंबर टू, द फार्म हाउस ऑन द हिल इज अवर्स. फार्म हिल पे जो फार्म हाउस है वो हमारा है. वी गो देयर एवरी समर, हम वहाँ हर समर जाते हैं. दिस कार्स बिलोंग्स टू आनंदी एंड मी, दे आर अवर्स. ये स्कार्फ, स्कार्फ क्या होता है? स्कार्फ का फुल फॉर्म, स्कार्फ का प्लूरल है. स्कार्फ जो हम विंटर में यूज करते हैं ना, वो तो दिस कार्स बिलोंग्स टू आनंदी एंड मी, वो आनंदी और मेरा है, तो दे आर अवर्स. नंबर फोर, आई बॉट दोस पेंस, दे आर माइन. मैंने ये पेंस मैंने खरीदे हैं, सो वो पेन मेरे हैं. नंबर फाइव, माई मदर गिफ्टेड द टाई टू माई ब्रदर, इट इज हिज. मेरी मम्मी ने मेरे भाई को टाई गिफ्ट की थी, वो उसकी है. नंबर सिक्स, हूज शर्ट आर दिस, वो किसकी शर्ट्स है. आर दे योर्स, क्या ये तुम्हारी है. नंबर सेवन, रेनू बोरोड माई क्रेयॉन्स, शी हैड गिवन हर्स टू द पुअर चाइल्ड शी सो ऑन द रोड. रेनू ने मेरे क्रेयॉन्स बोरो किए, मतलब मांगे कि प्लीज मुझे यूज करने के लिए दे दो, क्योंकि शी हैड गिवन हर्स, उसने अपने जो क्रेयॉन्स थे वो किसको दे दिए, गरीब बच्चों को जो उसने रोड पे देखे थे. नंबर एट, द रैबिट रेन इनटू द बरो, रैबिट बरो में भाग गए. इट इज दैट बरो देयर्स, क्या वो उनकी बरो है. बरो मतलब रैबिट जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम, ठीक है. तो इज दैट बरो देयर्स, क्या वो उनकी बरो है. यस. नंबर नाइन, इफ माई सिस्टर डजंट गेट अ न्यू टॉय शी विल टेक माइन, अगर मेरी बहन को अपना नया टॉय नहीं मिला
तो वो मेरा ले लेगी. शी विल टेक माइन, वो मेरा ले लेगी. नंबर 10, इट इज फॉर राहुल टू डिसाइड द डिसीजन इज हिज. अब राहुल को डिसीजन लेना है क्योंकि डिसीजन उसका होगा. राइट, सो होप दिस इज क्लियर. And with this, I'll end this class. And your today's homework is you will complete exercise D in your textbook. With this, I'll end this class. Goodbye, everyone. Goodbye for the day. Bye.